हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि राउंड ऑफ का टैली या फिर में हम लेजर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अकाउंट इन्फो पे जाना है। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम भारत है और इसी कंपनी में हम मौजूद हैं, तो हमें जाना है अकाउंट इन्फो पर। आगे अकाउंट इन्फो पर जैसे ही हम आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे लेजर्स आ रहा है, तो लेजर्स पे क्लिक कर दीजिए और फिर क्रिएट पे आ जाइए। अब यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, लिखिए राउंड ऑफ, लिख दिया हमने। ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम, दोनों ही में इसे हम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रख रहा हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो इसे नॉट एप्लीकेबल हमें करना होगा। एंटर प्रेस किया, ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अभी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा राउंड ऑफ का लेजर तैयार है। अब हमें करना क्या है, एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं पहले परचेज वाउचर में, तो ये आ गया परचेज वाउचर में। यहाँ पर कोई सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाल दिया हमने और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। ये आ गया एड्रेस हमारा और यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पर कीबोर्ड की बात करेंगे तो ये कीबोर्ड आ गया तुरंत। अब कीबोर्ड की क्वांटिटी क्या होगी, जैसे मान लीजिए 50 आइटम कीबोर्ड के हम खरीद रहे हैं और कीमत क्या है इसकी, 90 रुपये कीमत पड़ रही है, तो ये हमने खरीद लिया, ठीक है। और अब फिर हम माउस खरीद रहे हैं, तो माउस का जो स्टॉक है ये, यहाँ से हम माउस चूज कर लेते हैं, या हमारे पास अगर नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। या अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ स्टॉक क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ लिखिए माउस। एंटर प्रेस कीजिए, आइटम कर दीजिए यहाँ पे और जीएसटी एप्लीकेबल एंटर प्रेस, ठीक है। अब ये मान लीजिए 50 आइटम माउस के भी खरीद रहे हैं और एक माउस की कीमत है 80 रुपये 76 पैसे, ये हमने डाल दिया। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं इसको 50 आइटम का टोटल यहाँ पे आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें वायरलेस कीबोर्ड की जरूरत है, तो यहां पे लिखते हैं वायरलेस कीबोर्ड। एंटर प्रेस किया हमने, यहां पे आइटम रहेगा, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए और यहां पर आ जाइए। अब मान लीजिए कि दो आइटम हम खरीद रहे हैं वायरलेस कीबोर्ड की और एक की कीमत है 577 रुपये 12 पैसे, ठीक है। इसके हिसाब से यहां पे 1,154 रुपये 24 पैसे यहाँ पे आ गया। तो ये जो 24 पैसे हैं इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और यहाँ आर प्रेस करेंगे तो ये राउंड ऑफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, राउंड ऑफ का लेजर हमने बना रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो हमें कितना राउंड ऑफ करना है ये आप बता दीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 0.24 ही हमें राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ जैसे ही आप 0.24 करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे ये 0.24 और 0.24 ये ऐड हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर माइनस में इस चीज को लगाते हैं, जैसे मान लीजिए -0.24, तो क्या होगा, तो ये जो है घट जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा होल वैल्यू आ रही है 9,692 रुपए, यहाँ पे होल वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है, न्यू रेफरेंस करते हैं और ये हमने करा लिया एक्सेप्ट। अब हम चलेंगे सेल्स वाउचर में, तो यहाँ से हमको प्रेस करना है F8 या यहाँ से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। 800 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है और यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटर पार्टी का लेजर बनाते वक्त हमसे गलती हो गई है, इसको कैसे सुधारेंगे, संजय डेटर नाम गलत हो गया है। तो यहाँ पर आएंगे लेजर क्रिएशन वाले में और संजय डेटर को हम तलाशेंगे कि इसमें संजय डेटर कहाँ है। अल्टर में आ जाइए और संजय डेटर इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर संजय डेटर दिया हुआ है, तो आते हैं इसका नाम हम सही कर लेते हैं चल करके। तो यहाँ पर आ करके और यहाँ पे हमने नाम सही कर लिया, एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम आएंगे वापस से सेल्स वाउचर में, ये आ गए हम सेल्स वाउचर में और 800 नंबर का मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर है हमारा और यहाँ से रमेश क्रेडिटर सॉरी डेटर पार्टी का लेजर आएगा, तो संजय डेटर अब यहां पर सही से नाम शो कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे
अब यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर। अब जो हमने कीबोर्ड खरीदा उसको बेचने की बारी, तो यहां से हमने ले लिया कीबोर्ड और मान लीजिए जितने का भी खरीदा हो तो अब हम बेचेंगे इसको 220 रुपए का, ठीक है। तो ये कह रहा है नेगेटिव स्टॉक, सॉरी यहां पर हम 220 रुपए का बेचने के बजाय 220 आइटम ही बेचने लगे तो ये नेगेटिव स्टॉक का मैसेज देने लगा। जैसे मान लीजिए हमें बेचना है 12 आइटम, ठीक है, और एक की कीमत रखनी है 220 रुपए। तो अब देखिए अब ये कोई नेगेटिव स्टॉक नहीं बता रहा। अब फिर नीचे आते हैं, अब वायरलेस कीबोर्ड, तो वायरलेस कीबोर्ड पे आ गए, दो आइटम है हमारे पास, हम एक आइटम इसको बेचेंगे। तो एक आइटम लिखा हमने और एक की कीमत हमने लगाई है 950 रुपए, ठीक है। तो यहाँ 950 रुपए में हमने इसे बेच दिया। अब फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, वायरलेस कीबोर्ड है और ये है। अब हम माउस सेल करेंगे, तो यहाँ पर माउस पर आएंगे, ये देख सकते हैं माउस दिया हुआ है, 50 आइटम मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पे 6 माउस हम सेल कर रहे हैं और एक माउस जो है हम बेच रहे हैं 177 रुपए 23 पैसे के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या हुआ है, 38 पैसे इसमें आ गया है। अब इसको राउंड ऑफ का लेजर लगाना है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ पे आएंगे हम, तो ये हमने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा राउंड ऑफ का लेजर लगाते हैं हम, ये लगाया हमने, कितना राउंड ऑफ कराना है 0.38, यही राउंड ऑफ हमें कराना है। तो अगर हम 0.38 करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो हमको यहाँ माइनस लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं -0.38, तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये 4653 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ का लेजर लगा दिया हमने। अगर आप इस पर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन इसका लेजर मैं बना रहा हूँ, एंटर प्रेस किया, और डिस्काउंट गिवन जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं हम, और यहाँ से सब कुछ नोट रख के एंटर प्रेस करते हैं। अब मान लीजिए कि 0.12% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 5.38 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अब इसको फिर राउंड ऑफ करना है आपको, कैसे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखिए 38 पैसे आपने राउंड ऑफ किया था, अब यहाँ 58 पैसे आ गया है, तो फिर इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर आप राउंड ऑफ का लेजर लगा दीजिए। राउंड ऑफ किया आपने और यहाँ पर कितना हमें माइनस करना है, तो -0.58, तो ये जैसे -0.58 करिएगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से करके अब इसको न्यू रेफरेंस करके इसको मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ, यहाँ से हमने करा लिया एक्सेप्ट। अब चलते हैं इसको डिस्प्ले में चल कर देखते हैं, दो बार डी प्रेस कीजिए और ये हमारा सेल्स वाउचर वाली एंट्री थी जिसे हमने किया है। अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, इंटरफेस कीजिएगा तो ये प्रिंट होने लगेगा, ये देख सकते हैं। अब इसको सेव करना है हमें, ठीक है, तो मैं डिस्काउंट के नाम से इसे सेव करता हूँ, डिस्काउंट एंड राउंड ऑफ इसी के नाम से मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और फिर हम इसका प्रिंट चल करके देखेंगे कि कैसा प्रिंट आया हुआ है। तो यहाँ पे आ गए हम डिस्काउंट एंड राउंड ऑफ, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बन करके आपके सामने आ चुका है। आप इसको देख सकते हैं इसमें डिस्काउंट कितना लगा है और कितना हमने राउंड ऑफ किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।